राम राम मेरे सभी भाइयों को। तो आज का ब्लॉग है, हम जा रहे हैं मार्केट एक्चुअली भाई के लिए कुछ सामान लेने। अगर आप भी कनाडा में आ रहे हैं कुछ दिनों बाद तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बताऊंगा मैं इस ब्लॉग में। तो अभी मैं पीटरब्रो में रहता हूँ और यहाँ पर बसेस काफ़ी फ्रिक्वेंट हैं, तो हम कुछ टाइम इंतज़ार करने के बाद हम बस में बैठ जाते हैं। एंड देन हमें जब भी रोड वगैरह क्रॉस करनी होती है तो एक बटन प्रेस करना होता है जो कि ट्रैफिक लाइट सिग्नल पे होता है। एंड देन कुछ टाइम बाद हम पहुंच जाते हैं वैल्यू विलेज। एक्चुअली वैल्यू विलेज यहाँ पे एक ऐसा मार्ट है जिसमें हमको क्या होता है, यूज्ड सामान मिलता है। कनाडा में वैसे तो काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव है, बट इस स्टोर में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि बहुत सस्ते दामों पर मिल जाएंगी। अगर आपको इसका एक प्रॉपर ब्लॉग चाहिए तो मैं इन फ्यूचर वीडियोज़ आपके लिए मैं वो प्रॉपर वीडियो भी लेके आऊँगा। फर्स्ट हम भाई के लिए बहुत सारे जूते देखते हैं, बिकॉज ऑफ भाई की नई नौकरी लगी है एंड ही नीड्स सम लाइक सेफ्टी शूज़। सो हम यहाँ पे काफ़ी शूज़ को देखते हैं बट हमको सेफ्टी शूज़ यहाँ पे मिलते ही नहीं हैं। एक पेयर ऑफ शूज़ इसको पसंद भी आता है बट अनफॉर्चुनेटली वो सेफ्टी शूज़ नहीं होते। एंड देन वी आर डिसाइडेड टू गो अनदर स्टोर, एंड पास में यहाँ से कैनेडियन टायर है, वो भी एक सुपर मार्केट है। तो मैंने भाई को सजेस्ट किया कि वहाँ पे जाके हम देख लेते हैं सेफ्टी शूज़। तो हम निकल जाते हैं कैनेडियन टायर की ओर, एंड माई ब्रदर इज़ सो अपसेट बिकॉज ऑफ ही डिडंट फाइंड एनीथिंग एंड दिस इज़ द लास्ट डे, बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट डे उसकी शिफ्ट है। और उसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि वहाँ पर कुछ डोनेशंस वगैरह ले रहे होते हैं। एंड हम कैनेडियन टायर में हम जब एंटर कर जाते हैं, वैसे ही हमको क्या करना होता है, हमको ये बैग सबमिट करना होता है जो भी हम बिलोंगिंग्स अपने साथ लेके आते हैं, ताकि कोई फ्रॉड वगैरह ना हो जाए। एंड देन हमको एक लॉक दिया जाता है और उस लॉकर में हमको ये सामान रख के अपनी कीज़ वगैरह साथ में लेके जो भी हमें ख़रीदना हो वो हम ख़रीद सकते हैं। तो हम फाइंड आउट करने निकल जाते हैं कि कहाँ पर है हमारे जो शूज़ वगैरह। और उसके साथ साथ मैं काफ़ी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कहाँ पर क्या सामान है, कौन सी क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कैनेडियन टायर। और काफ़ी घूमने के बाद हमें अब शूज़ मिल जाते हैं, तो भाई को वो शूज़ पसंद आ जाते हैं। लेकिन वो शूज़, टू बी ऑनेस्ट ब्रो, वो बहुत महंगे होते हैं शूज़, अबाउट $80, बिकॉज ऑफ हमको एक ऐसी चीज़ पर खर्च करने पड़ रहे हैं जो कि हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उसकी क्वालिटीज़ वगैरह चेक करने के बाद, लाइक सेफ्टी शूज़ क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं आगे से, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद हम उन शूज़ को फाइनल कर लेते हैं। एंड देन हम बिलिंग कराने जाते हैं। बिलिंग कराते समय हमारे साथ एक बहुत ही फ़नी मोमेंट हुआ था, जो वहाँ पे एम्प्लॉय था, तो उससे हमने क्या है, उस शूज़ के साथ हमने एक पेप्सी का एक बॉक्स भी लिया था, तो उससे वो क्या है, बिलिंग करते समय वो फट जाता है, एंड देन ही इंस्टेंटली रिप्लेस इट। तो हम रिप्लेस करा के हम पहुंच जाते हैं स्टॉप के बाहर। हमारा भाई इतना एक्साइटेड था कि वो उससे रहा नहीं गया और वो वहीं पे ही पेप्सी को पीने लगा। उसके बाद हम बस में बैठ के निकल जाते हैं घर की तरफ, और घर पे हम थोड़ा एंजॉय वगैरह करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। सभी भाइयों को मेरी तरफ़ से राधे राधे।